And in the end, no matter how much hard work you're putting in, so it can always lead to failure. But then you should know that life just moves on and you have to keep doing that. And there'll be hard times and there'll be good times. And if there won't be any hard times, then कोई मजा भी नहीं है गुड टाइम्स होने का, बिकॉज अगेन इट विल बी रियली बोरिंग इफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग गुड, देन यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ दैट देयर इज नॉट समथिंग एक्साइटिंग, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. तो सबसे ज्यादा मेजर लर्निंग चीज यही थी कि कितना भी काम कर लो, कितना भी जाग लो, सो थिंग्स आर नॉट परफेक्ट. इट माइट गो रियली गुड और आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल जाए उस दिन, और उसी के अगले दो दिन बाद कोई इवेंट खराब हो जाए एंड एवरीथिंग वेंट डाउन. So it's just okay, like good phases and bad phases, you should enjoy both.